हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेंट स्टीफंस कॉलेज 2023 के बारे में। जी हाँ गाइस, यहाँ पे आप लोगों को इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, एडमिशन प्रोसीजर क्या है, कौन कौन यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता है, इसका एडमिशन कब से स्टार्ट होता है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पे अगर जैसे आप लोगों का सेंट स्टीफंस कॉलेज 2023 का कोई भी नया अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है तो हम आप लोगों को वीडियो के थ्रू अपडेट करके आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दूं कि सेंट स्टीफंस कॉलेज में आपको यूजी और पीजी लेवल में गाइस यहाँ पे वेरियस कोर्सेज में एडमिशन मिल सकते हैं। ये एक नेशनल लेवल का है, यानी कि ऑल ओवर कंट्री से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन यहाँ पे इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अब गाइस यहाँ पे जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन मोड में रिलीज होता है, तो आइए इसके बारे में डिटेल में जानना शुरू करते हैं। तो हमने इसके हाइलाइट्स देख लिए। लाइक अगर बात की जाए इसके एप्लीकेशन फॉर्म की, तो जुलाई में इसका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे जो है रिलीज हो जाता है। ऑल दो अभी तक ऑफिशियल अथॉरिटी के थ्रू जो यूजी पीजी दोनों के लिए सेपरेट डेट्स अनाउंस नहीं की गई है। जैसे डेट्स अनाउंस होगी हम उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हर एक इवेंट की डेट्स आप लोगों को एक्सप्लेन करके बता दी जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो गाइस आप लोगों का जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते जब कोई भी गलती करते, कोई मिस्टेक करते, कोई इनवैलिड डिटेल्स अगर आप एंटर करते तो आप लोगों का एप्लीकेशन डायरेक्टली रिजेक्ट हो सकता है, मे बी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ना हो। अब क्या करना होगा कि एप्लीकेशन आप लोगों का यहाँ पे रिजेक्ट ना हो, क्योंकि गाइस क्या होता है जो स्टूडेंट्स रहते हैं पहली बार एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उन्हें जो है कोई आइडिया नहीं होता कि किस प्रिस्क्राइब साइज में, किस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करना है, डिटेल्स किस तरह से कैसे यहाँ पे एंटर करनी है, और इस वजह से उनका एप्लीकेशन सबमिट नहीं हो पाता है। तो गाइस आप लोगों के साथ ऐसा कुछ नहीं, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे हम जैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होगा उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में गाइस आप लोगों को लाइव एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके बताया जाएगा। जी हाँ गाइस, फ्रॉम स्टेप वन आपका नाम एंटर करने से लेकर टिल फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन फी तक इवन आप लोगों को जो है पे करके बताई जाएगी। तो मेक श्योर कीजिए आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत ना हो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, और आप लोग आसानी से जो सेम प्रोसेस को फॉलो करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट कर पाएंगे। एप्लीकेशन फी गाइस यहाँ पे जो 200 रुपीज़ है यूजी के लिए, पीजी के लिए 100 रुपीज़ है, और डिप्लोमा कोर्सेज के लिए 500 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फी यहाँ पे रहेगी। अब गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है कोर्सेज में बता दें, तो बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिलोसॉफी एंड इंडिया, ये सारी जो है इंडिक, ये सारी जो है यहाँ पे कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। बीए प्रोग्राम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स प्रोवाइड कराया जाता है। बीएससी प्रोग्राम्स इन केमिस्ट्री एंड अप्लाइड साइंस यहाँ पे मिल जाएगा। एमए इन इकोनॉमिक साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन एनालिसिस, इस तरह के और भी कई सारे कोर्सेज है जो कि आपको यहाँ पे इस कॉलेज में मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की ओर, क्योंकि गाइस अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना कंपलसरी मैंडेटरी है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करते तो आप लोग जो है इस यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो गाइस अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सिनेरियो ऐसा है कि यहाँ पे आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हर एक कोर्स के लिए अलग अलग, अगर बीए हॉर्न्स चाहिए, ऑनर्स चाहिए, या फिर बीए प्रोग्राम, बीएससी ऑनर्स चाहिए, बीएससी प्रोग्राम चाहिए, या फिर पीजी एडमिशन चाहिए, एमए, एमएससी, पीजी में चाहिए, किसी भी कोर्स में चाहिए, हर एक कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर। तो गाइस आपको क्या करना है, अगर आप डिटेल एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पे क्लिक करना है, वहां से आप डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपने जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर एक कोर्स की एलिजिबिलिटी वहां से चेक कर पाएंगे। उसके बाद फिर गाइस आप लोग की मेरिट लिस्ट रिलीज की जाएगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, फिर सीट रिजर्वेशन आपको, उसके बाद फिर आप लोगों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए जाएंगे, फिर सीट अलॉट आप लोगों को की जाएगी। तो गाइस अगर आप चाहते कि जैसे यहाँ पे इसमें से कोई भी इवेंट हो तो आप लोगों को नोटिफाई किया जाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि उस पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग हम आपको नोटिफाई कर पाए और उस इवेंट की पूरी डिटेल उस वीडियो में आपको बता पाएंगे। सो नाउ आई होप कि आपको सेंट स्टीफंस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कोई भी परेशानी, दिक्कत नहीं होगी। इनकेस कोई प्रॉब्लम फेस होती है, कोई भी इशू या कोई डाउट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम की लिंक है, वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल, नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।